चलिए सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। 70 वर्ष क्रॉस कर चुके होंगे जो लोग अभी युवा हैं, ये युवा उस समय अपने अधेड़ उम्र में जाकर के समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया कर रहे होंगे और उस समय की एक व्यापक कार्ययोजना, आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्ययोजना प्रधानमंत्री जी ने आप सबके सामने प्रस्तुत की है, पूरे देशवासियों के सामने प्रस्तुत की है। और उस कार्ययोजना का जो महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है, वह कैसे परिवर्तनकारी हो सकता है, हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देखा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, आपने देखा होगा बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया है। आज WHO हो या दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली देश, वह भारत के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है। कारण साफ है, आप देख सकते हैं भारत की आबादी 135 करोड़ की, 135 करोड़ लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हर व्यक्ति जी रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीने, बोलने, आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत के अंदर। और उस सब के बावजूद कोविड प्रबंधन में आपने देखा होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों ने जिस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय इस दौरान दिया, उसका परिणाम कोविड बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में देश के सामने देखने को मिला। ये बेहतरीन कोविड प्रबंधन इसी रूप में था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता कर्फ्यू रहेगा, पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ जुड़ा है। पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हो सकती हैं, देश में अलग अलग रूप रंग वेशभूषा खान पान रहन सहन हो सकता है, जाति मत मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, भारत एक स्वर में बोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ने एक स्वर में बोल करके उस दौरान ये साबित कर दिया था। जब 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था, पूरे देश ने तय कर दिया था कि कोरोना को हम मात देंगे और आपकी इसी जिजीविषा ने कोरोना जैसी महामारी को भारत के अंदर लगभग परास्त करने में सफलता प्राप्त कर दी। ये सामूहिकता का, टीम वर्क का परिणाम है। यही तो टीम वर्क है, जिस टीम वर्क का कहीं अभाव अगर अमेरिका और यूरोप में देखने को मिला तो वे फेल होते हुए दिखाई दे, कोरोना के सामने पस्त होते हुए दिखाई दे। अमेरिका की कुल आबादी भारत की आबादी की 1/4, लेकिन कोविड से मौत भारत से दुगनी होती है अमेरिका। और यही है बिना भेदभाव के 200 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के अंदर मिल जाना, फ्री में मिल जाना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, यह पहली बार हुआ। और यह किसी भी सरकार की उस कार्य पद्धति को प्रदर्शित करता है कि वह तकनीक का ही उपयोग नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सरकार की संवेदनशीलता का भी प्रदर्शन करने की एक अग्नि परीक्षा थी कोरोना। और सरकार की कार्य योजनाओं ने उस अग्नि परीक्षा में खरा उतर करके भारत की जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत झोंक करके जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो अभिनव प्रयास किया, उसके परिणाम हम सबके सामने। हम सफल इसलिए थे क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय अनुशासन था, हम सफल इसलिए थे क्योंकि हम तकनीक को भी अपनाने के लिए तैयार थे
और आवश्यकता पड़ेगी तो तकनीक के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते में पैसा जाता है। और इसीलिए जब तकनीक का क्या उपयोग है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आज जिन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को यहां पर आमंत्रित किया गया है उसमें एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। आज भी हमारी लगभग 65 से लेकर 70 फीसदी आबादी पूरे देश की गांवों में निवास करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो आवास थे वे आवास गांव की आबादी के जमीन पे बने हुए। अगर किसी गरीब का मकान अगर पुराना होने के कारण किसी आपदा के कारण गिर गया तो वह दोबारा वहां पर अपना मकान बनाने के लिए उसको बड़ी कवायद करनी पड़ती है। कभी कभी दमन उस पर कब्जा कर लेते थे, वो माफिया कब्जा कर लेते थे। गलत लोग सत्ता में काबिज हैं तो वे लोग गरीब का जीना हराम कर देते थे। और इसीलिए योजना चलाई कि जहां पे जिसका आवास हो ग्रामीण क्षेत्र में उसको उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी मिले। और इस देश से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में ड्रोन से गांव-गांव का सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद फिर नक्शे के अनुसार उस गांव में जाकर के चूना छिड़क करके उसकी पूरी मैपिंग करवाई, फिर ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई और फिर उस प्रस्ताव के बाद फिर घरौनी तैयार होती है और घरौनी तैयार होकर के फिर जिसका जहां पे मकान है उसको वहां का मालिकाना अधिकार देने का कार्रवाई भी शुरू हुई। अब तक हम 34 लाख से ग्रामीण एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।